हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए न्यू जॉब का अपडेट लेकर आ गए हैं और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डीमार्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में, डीमार्ट के भर्ती के बारे में। इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे डीमार्ट में आप लोगों को किस किस पद पे या फिर किस किस पोस्ट पे जॉब देखने को मिलेगा, जॉब का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल कैसे निकालना है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, किस किस लोकेशन पे जॉब निकाला गया है और सबसे जरूरी यहाँ पे आपको डीमार्ट में कैसे अप्लाई करना है, यानी कि आवेदन कैसे करना है, अप्लाई फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे फिलअप करना है, ये सब भी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में दिया जाएगा। एंड आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं डीमार्ट में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है, नो फीस है, यानी कि फ्री में अप्लाई होगा। 40 प्लस यहां पे वैकेंसीज है, गुड सैलरी मिलेगा, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट यहां पे बोथ अप्लाई कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अप्लाई करना स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया है और वीडियो को शेयर भी कर देना है। यहां पे ऑल इंडिया के लिए जॉब है, यह भी बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो मिलेगा, बस वीडियो पे बने रहना है। एंड हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहूँगा। देखो यार, यहाँ पे फ्री में जॉब मिलता है अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आपको कभी भी कोई कॉल करके, मेल करके किसी भी प्रकार का नौकरी के लिए पैसे की मांग करे, बोले हम इस कंपनी से, इस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे इतना पेमेंट सेंड करो, ये OTP बताइए, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, तो आपको इन सब झांसों में आके किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है, ना तो किसी भी प्रकार का कोई भी OTP का लेन देन करना है। यहाँ पे फ्री में आपको जॉब मिलेगा। अब आपको यहाँ पे जॉब का प्रोफाइल निकालने के लिए, जॉब का डिटेल निकालने के लिए, आवेदन करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा स्टेप है। आपको अपने फोन में कोई भी ऐसा ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है पिक्सल टेक जॉब, PIXEL पिक्सल TECH टेक JOB इतना टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे पिक्सल टेक जॉब सर्च करोगे तो यहाँ पे टॉप पे वेबसाइट आ जाएगा, पिक्सल टेक जॉब डोमेन नेम भी देख सकते हैं, pixeltechmantoo.blogspot.com, इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको मल्टीपल जॉब्स के अपडेट, आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों क्या करना है, सिंपल सा काम है। वेबसाइट पे आने के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में डीमार्ट सर्च कर सकते हो, या फिर इससे इजी तरीका यह है कि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिलेगा, कैटेगरीज में आपको यहाँ पे डीमार्ट का लेबल मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं, ये रहा कोलगेट जॉब के नीचे डीमार्ट का जॉब का लेबल है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट आर्टिकल मिलेगा, इसको ओपन कर लेना है डीमार्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो आर्टिकल है डीमार्ट के जॉब वैकेंसी के बारे में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जॉब के बारे में काफी सारा डिटेल्स है, जैसे कि मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, फिर मैं आपको आवेदन करना सिखाता हूँ। सबसे पहले तो देख सकते हैं डीमार्ट में न्यू जॉब वैकेंसी आ गया है, नीचे की तरफ आप कंपनी नेम देख सकते हैं और बाकी टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 40 प्लस है। करंट ओपनिंग के कुछ पदों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव फ्लोर में जॉब देखने को मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर का जॉब है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव HR का जॉब है और स्टोर ऑपरेशन में जॉब है और असिस्टेंट मैनेजर का जॉब है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जॉब है, ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पे 40 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे डीमार्ट में जॉब की कमी नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई का मोड ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है मैं बताऊंगा, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पे बने रहना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडियन कैंडिडेट, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट और एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। एज के बारे में बात कर ले तो एज कम से कम 18 या फिर 18 प्लस मांगा जाता है। अधिक जानकारी के लिए जॉब का नोटिफिकेशन, जॉब प्रोफाइल वेरीफाई कर लीजिएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे ऐसा सिलेक्शन के बारे में, तो सिलेक्शन यहाँ पे टेस्ट इंटरव्यू जो भी होगा वो कंपनी के रूल के हिसाब से होगा। और बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशंस मांगा जाता है। सैलरी भी आपको गुड मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और कंपनी के रूल के हिसाब से। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। लास्ट डेट यहाँ पे दिया नहीं गया है, सो आपको फटाफट अप्लाई करना है। अप्लाई का डिटेल भी यहाँ पे है। अब कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल को पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे मिलेगा आपको अप्लाई का लिंक, आप देख सकते हैं अप्लाई के बटन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक न्यू पेज पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यह है डीमार्ट का जॉब का पेज। अब इस पेज पे आने के बाद जॉब का डिटेल निकालने के लिए यहाँ पे आपको सर्च जॉब्स के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च जॉब के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट जॉब्स यहाँ पे आया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे 47 जॉब ओपनिंग है अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग लोकेशन पे। लोकेशन आप देख सकते हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, ऐसे करके काफ़ी सारे लोकेशंस पे यहाँ पे जॉब है। बाकी पोस्ट भी आप देख सकते हैं, स्टोर मैनेजर का जॉब है, डिपार्टमेंट मैनेजर का जॉब है, SR ऑफिसर्स का जॉब है, एग्जीक्यूटिव फ्लोर का जॉब है, परचेस इंचार्ज का जॉब है, ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी सारे पदों पे जॉब है। अब यहाँ पे आने के बाद कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब का यहाँ पे प्रोफाइल व्यू करना है, कैसे यहाँ पे फॉर्म भरना है, मैं आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो पे बने रहना है। डेबो के लिए हम यहाँ पे कोई भी पोस्ट सेलेक्ट करते हैं ताकि मैं आपको आवेदन करना सिखा सकूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे पदों पर जॉब है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे
पे एसआर ऑफिसर के पोस्ट पे अप्लाई करना है, हैदराबाद तेलंगाना लोकेशंस का जॉब है, इसके लिए करना है अप्लाई। इस प्रोफाइल को व्यू करना है तो हम यहाँ पे ऐसा क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जॉब का प्रोफाइल आ जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं जॉब का टाइटल यहाँ पे है और यहाँ पे पोस्ट डेट वगैरह है, लोकेशंस वगैरह है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशंस बताया गया है। एसआर ऑफिसर गोडाउन का जॉब है और एक्सपीरियंस देख सकते हैं 5 to 8 ईयर का मांगा गया है। एजुकेशन आप देख सकते हैं डिप्लोमा या फिर एनी ग्रेजुएट मांगा गया है। लोकेशंस देख सकते हैं एज अप टू 31 ईयर है, और स्किल्स वगैरह देख सकते हैं क्या क्या है, जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, जॉब पढ़ सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो अप्लाई का बटन है जिसपे आप क्लिक करके फ्री में कर सकते हो अप्लाई। कैसे करना है आपको, यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा काम है, यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है अगर आप नए यूजर हो। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे एक जीमेल एड्रेस देना है और रिटाइप यहाँ पे जीमेल एड्रेस करना है, एक पासवर्ड देना है जिसके थ्रू आप यहाँ पे लॉग इन करोगे, रिपीट पासवर्ड करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके सबसे पहले तो रजिस्टर कर लेना है, देन लॉगिन करना है। मैंने पहले से यहाँ पे साइन अप कर रखा है, रजिस्टर किया है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपना जीमेल पासवर्ड देके जो कि हमने यहाँ पे रजिस्टर करते समय दिया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे जीमेल पासवर्ड ऑलरेडी फील्ड है। अब यहाँ पे हम साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे और हम लोगों के सामने एक अप्लाई का आवेदन फॉर्म आ जाएगा जो कि कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रहा अप्लाई फॉर्म। इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप करना है, कैसे भरना है, मैं आपको बता देता हूं। ये आपका कैंडिडेट प्रोफाइल है जो कि आपको एक बार अपडेट कर लेना है, इसके बाद आप लोग किसी भी पोस्ट पे इजीली अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, तो जो आपका फर्स्ट नेम है यहाँ पे फिल कर देना, लास्ट नेम यहाँ पे फिल कर देना, ऑलरेडी फील्ड रहेगा क्योंकि आपने रजिस्टर करते समय दिया था, बाकी जो अनफील्ड है उसे आपको फील्ड करना है। जैसे कि फोन नंबर नहीं तो फोन नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेन पॉइंट है रिज्यूमे का, तो रिज्यूम अपलोड कर देना, यहाँ पे क्लिक करना, तो यहाँ पे क्लिक करके चूज फाइल पे क्लिक करके अपना जो रिज्यूमे है वो अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि रिज्यूम से ज्यादा जानकारी देखा जाएगा। ऐसा अपलोड पे लगाएंगे रिज्यूमे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पे आपका रिज्यूमे फाइल सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा जो कि आपको एक नोटिफिकेशन एक पॉपअप में दिखेगा, देख सकते हैं अपलोडेड सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में आपको हाईएस्ट एजुकेशन के बारे में बताना है, जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप दे सकते हैं, कब स्टार्ट किया, कब कंप्लीट हुआ, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी क्या था वो आपको बताना है, ब्रांचेस बताना, क्वालिफिकेशन टाइप क्या है वो बताना है, कोर्स क्या था वो सब भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे राइट साइड में तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे अल्टरनेटिव नंबर दे सकते हैं, जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एड्रेस देना है, कंट्री क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपका कंट्री वगैरह क्या है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपका स्टेट क्या है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं, सिटी क्या है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। फिर इसके बाद यहाँ पे जिप कोड, पोस्टल कोड, और इसके साथ साथ नीचे की तरफ आपको अपना एक्सपीरियंस इन ईयर में बताना है या फिर अगर मंथ में तो मंथ में बता सकते हो। फिर यहाँ पे दोस्तों एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताना है आपका, फिर यहाँ पे स्किल्स वगैरह भी ऐड कर देना है। फिर नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पूछा जाता है, यानी कि अगर आपने इससे पहले कहीं पर काम किया है तो जो वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में डिटेल्स वगैरह आपको देना होगा। तो ऐसे ऐसे करके जो भी डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगा जाता है वो डिटेल आपको फिल करना है, सिलेक्ट करना है। और हाँ, रिज्यूमे आपको जरूर से जरूर अपलोड कर देना है क्योंकि रिज्यूम में ऑलरेडी सारा डिटेल रहता है, तो वहाँ से फेच कर लिया जाएगा। रिज्यूम अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप लोगों का यहाँ पे डीमार्ट में जॉब के लिए, नौकरी के लिए बिल्कुल फ्री में अप्लाई हो जाएगा बिना किसी चार्ज के। सो इस प्रकार से अप्लाई करना है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि आपको डीमार्ट में एक ही पोस्ट पे यहाँ पे जॉब देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल ओपनिंग है, और अगर आप चाहो तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आएगा, नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे और भी आपको जॉब देखने को मिलेगा अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग लोकेशंस पे। तो यहाँ पे जॉब की कमी नहीं है, जो भी प्रोफाइल आपको व्यू करना हो आप उस पर क्लिक करके जॉब का प्रोफाइल निकाल सकते हैं और अप्लाई के बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ बता दिया, बाकी कोई डाउट है, कुछ भी दिक्कत होता है तो कॉमेंट करिएगा, हेल्प मिलेगा। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए जॉब अपडेट में। धन्यवाद।